मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आया हूँ और वाइपर कनेक्शन के लिए कि वाइपर रिले का कैसे कनेक्शन किए जाते हैं, हाई और लो दो रिले यूज़ की जाती है वाइपर की, उससे कनेक्शन के बारे में आज मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। ये होते हैं दो एडाप्टर होते हैं। इस अगर हम जो मिनी रिले को चेंज करके माइक्रो रिले को चेंज करके माइक्रो रिले इसमें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारे जो वाइपर रिले का जो पावर रुकना रुक जाता है उसकी वजह से परेशानी होती है कस्टमर को, तो इसके लिए हम ये रिले चेंज कर रहे हैं ताकि वाइपर रिले बीच बीच में ना रुके। ये हमारे पास है जम्पर वायर, इसको हम T30 कनेक्शन पर यूज़ करेंगे। T30 कौन सा होता है? ए का जो होगा वो T30 होता है, ये जो होगा वो T30 होगा। इसको इसी कनेक्शन हम लोग करते हैं, हमने इसको यहाँ पे कनेक्ट किया, फिर हमने इसको एक बार हमने वायर जो है ये यहाँ पे 30 पे कनेक्ट कर दिया, ये 30 कनेक्ट। अगर आपके समझ में नहीं आ रही है कि 30 वगैरह ये है या नहीं है तो आप इस पर भी चेक कर सकते हैं, रिले के अंदर भी 30 पिन नंबर 30 ये दिख रही है, पिन नंबर 30 ये होती है, ठीक है। इसके बाद हमें ये जो ये वायर होती है ये वायर होती है 87 की जो वायर होती है वो वाइपर रिले के लिए यूज़ की जाती है, वाइपर मोटर के लिए यूज़ की जाती है। 87 का होता है सी, हम 87 को सी में क्रिम्पिंग करना है। ये जो वायर यूज़ की गई है ये वाइपर से आ रही है, ये जो वायर आ रही है कॉम्बिनेशन स्विच से वायर आ रही है, जिससे वायर स्टार्ट होते हैं, वाइपर मोटर चलना स्टार्ट होता है, और इसके बीच में एक सप्लाई ज्वाइन है जो कि इन टाइम रिले के लिए यूज़ किया जाता है, इस रिले के लिए यूज़ किया जाता है। ये वायर 86 है, इसमें कंटिन्यूसली इग्निशन स्विच ऑन करने के बाद सप्लाई आएगी, 86 पे कनेक्ट की जाएगी। ये 87 नंबर की वायर है, देखिए अब हम इसको क्रैम्पिंग करते हैं। इसको हमने इस तरीके से कट किया, कट करने के बाद ये क्रैम्पिंग स्विच है, क्रिम्पिंग टूल से उसके अंदर हम इसको लॉक करते हैं, उसके अंदर इसको लॉक किया, उसके बाद वायर को इसमें शिफ्ट किया, उसके बाद हमने इसको क्रिम्पिंग किया, ये परमानेंट क्रिम्पिंग हो गया। ये 86 है, हमारा 86 आएगा इस साइड में, हमें 86 के लिए इस साइड में कनेक्ट करना होगा। आप देख भी सकते हैं 86 का, अगर आप यूज़ करेंगे देखिए 86 ये आप इस तरीके से यहाँ लगा के चेक कर सकते हैं, 86 पिन नंबर ये वाली है, ठीक है। अब इसके बाद है ये पिन 85 होता है ग्राउंड अर्थ, और 85 कहाँ से मिल रहा है? कॉम्बिनेशन स्विच से, वाइपर जहाँ से रिले ऑपरेट हो रहे हैं वहाँ से 85। उसके बाद लगाया
इसका यूज भी फिट हो गया। अब इसको हम यूज करते हैं, सेकंड को निकालते हैं हाई, ये हो गया हाई रेट। क्या नहीं लग रहा बताओ, इसके बाद कट हो गई क्या, क्या नहीं लग रहा बताओ, हाई स्पीड हो गया। इसके बाद हमने ये हमारा वायर था 37, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। 37 वायर थी, 37 वायर है, इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट किया जो वाइपर मोटर के लिए जा रहा है। उसके बाद में तीन वायर को कट करते हैं, तार को अच्छी तरीके से चेक कर लेना चाहिए, तार में जो है कम नॉन्स ना हो। ये हमें इस वायर को, ये वायर जो है 85 की है, 85 जो वाइपर के लिए आ रही है। ये हमारे पास इग्निशन स्विच की है जो आपके पावर मिलती है 86 को, उसके लिए हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है इसको, ट्रिमिंग करना है ये वायर। ट्रिमिंग की उसके बाद हमारे पास का इसको हमने बीच में कनेक्ट करना है, 87A है ये, इस वायर 87A है, इसको यहाँ पे कनेक्ट करना है। ये वायर हमारे पास 85 वायर हमेशा 86 को यहाँ पे हमें कनेक्ट करना है। उसके बाद आप जो है